हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आई ट्यूब चैनल इन द ओसियम सेंटर। ओके, तो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही अपने ओसियम सेंटर चैनल पे एक वीडियो डाला था। वो वीडियो क्या था? ओसियम सिलेबस चेंजेस के बारे में। ओके, बिकॉज जो उस टाइम पर कुछ हफ्ते पहले ही सीबीएसई के बिजनेस स्टडी के इस सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ गई थी, तो मैंने भी उसके कुछ प्रिडक्शन लगा के कुछ एकदम फोरकास्ट करके भी मैंने अपने ओसीएम सब्जेक्ट का 12th स्टैंडर्ड का उसमें कुछ रिडक्शन के बारे में बात की थी। ओके, अगर आपको वीडियो नहीं देखी आप तक, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो उसके ही वीडियो से प्रिडिक्शन से सच में ही हमारा वैसा ही ऑलमोस्ट सेम पोर्शन रिड्यूस हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के मीन पोर्शन चेंजेस के बारे में सब बताऊंगा। बाकी ये पीडीएफ किधर से कैसे क्या मिलने वाली है, पीडीएफ में क्या क्या दिया गया है, उस सब के बारे में आज आपसे बात करूंगा। बाकी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, बिकॉज आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेगी, बाकी कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस, ओके, और ओसियम रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, बिजनेस टिप्स मिलते रहेंगे, मोटिवेशन वीडियो तो आपको मिलते ही रहेंगे। ओके, मिलते रहेंगे तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो अब किस बात का हेडर आ गया है ओसियम सेंटर, तो मूव होते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, आ गए हैं अब हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी, मीन्स आप हमने सर्च किया गूगल पे maa.ac.in। ओके, तो यहाँ पर आपको ये गूगल करना है, उसको सर्च करना है, बाद में आप आ जाओगे इधर महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च में। फिर बाद में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा कि यहाँ फिर आपको इसमें दिखेगा 1st to 8th का अलग दिया गया है, फिर 9th to 10th के लिए अलग पीडीएफ दिया गया है, देन आपको 11th और 12th के लिए अलग से पीडीएफ दिया गया है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए, देन उसमें और लैंग्वेजेस अलग अलग दिए गए। तो हम जाते हैं इसके 11th और 12th के अंदर। ओके, तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस दिख रहा है कि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट दिया गया है। ओके, फिर हर एक सब्जेक्ट दिया गया है, उनके लैंग्वेजेस के दिए गए स्टार्टिंग में, देन आर्ट्स के लिए कुछ दिए गए हैं, फिर देन आर्ट्स के लिए दिए गए हैं उनका सब्जेक्ट दिए गए, चाइल्ड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट दिए गए, साइकोलॉजिकल, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ओके, ये सब आर्ट्स वालों के, देन उनके बाद कॉमर्स वालों के दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर 11th 12th दोनों के हैं, अकाउंट्स है, ओसी है, देन कॉपरेशन में बाइफोकल में आता है। ओके, फिर आएगा आपको एसपी आएगा, फिर देन साइंस वालों का है। तो अब हम जाते हैं हमारे थोड़ा ओसी की तरफ जाते हैं। ओके, तो अब हम मूव होते हैं हमारे ओसी की तरफ। ओके, ओसीएम के 11th 11th स्टैंडर्ड के ओसम सब्जेक्ट में हम क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें क्या क्या रिडक्शन हुए, वो सब थोड़ा जान लेते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि 12th के ओसम के पहले ही मैंने प्रिडिक्शन कर दिया था, उससे कुछ सेम सेम यहाँ पर रेड्यूस हुआ है। तो अब हम जाते हैं हमारे ओसी के। ओके, हम आ गए हैं हमारे, ओके, तो ये हमारे सामने आ गया है 11th कॉमर्स ओसीएम। ओके, आपके 243 पेज नंबर पर है। बाकी इसके अंदर आप, ओके, तो जब आप ये वाले पेज पर आओगे तो आपको ये हेडिंग दिख रहा होगा कि क्वेश्चन विल नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑन द सब्जेक्ट यूनिट एज मेंशन्ड बिलो, कि जितना भी आपको ये पूरे पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर नीचे 3rd चैप्टर 6th चैप्टर पे, ये कुछ भी नहीं आने वाला है इसमें से। तो आपको इतना इसका टेंशन की जरूरत नहीं है, जो भी आपको दिख रहा है, हाँ ये इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, ओके, ये आपको इसमें से कुछ भी पूछने वाले नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, देन अब हम मूव होते हैं हमारे 12th के उसी सब्जेक्ट पर। ओके, 12th का उसी सब्जेक्ट में मूव होते हैं। अभी इसका हमें पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा, हम अपने मूव होते हैं। बाकी मैंने इसको पहले इसका मैंने प्रिडिक्शन बता दिया है, तो ऑलमोस्ट दोस्तों एकदम सेम ही सेम है, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। तो हम आ गए हैं हमारे पेज पर। ओके, हमें मिल गए, देन देखो अब हम आ गए हैं हमारे 12th के पेज पर। यहाँ पर भी आप हेडिंग पढ़ो, क्वेश्चंस विल बी नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन ऑन द सब्जेक्ट यूनिट मेंशन्ड बिलो। ओके, आपको जितना भी कुछ दिख रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंस पूछा गया था, ओके, टेक्निकल ऑफ मैनेजमेंट था, ओके, ये सब आपको नहीं पूछा गया। फिर 3rd चैप्टर में 2nd चैप्टर में डिलीट किया गया नहीं है, बिकॉज सब इंपॉर्टेंट है। 3rd चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, वो सब क्वालिटीज थी उसके अंदर। फिर 4th चैप्टर 6th चैप्टर 7th चैप्टर में से भी ये सब चीज़ें हटाई गई, तो आप इसे बिल्कुल मत पढ़े। फिर लास्ट चैप्टर आपका मार्केटिंग जो न्यू आया गया, टाइप्स ऑफ मार्केट, उसमें एक टॉपिक था, ओके, वो भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आप आगे जाके डिग्री स्टडी में ये टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हो, तो आपको ज़्यादा से प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से इस पेज पर है, सारे पीडीएफ पर है। ओके, आपको और भी कुछ अगर पेजेस पे आपको सब्जेक्ट के बारे में जानने का, एनालिस करने का, आपको जानने का कौन सा हमारा रिडक्शन होगा, हमें क्या नहीं पढ़ने का है, तो इस लिंक, ओके, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का देख सकते हो, 11th या 12th का देख सकते हो दोस्तों। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से भी आप जाकर मेरे इंक्वायरी कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना रहेगा, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।